मध्य प्रदेश अजब है और गजब भी। 4 माह पहले चोरी की गई भैंस की वीडियो कॉल से हुई पहचान। मध्य प्रदेश अजब है और गजब भी। शिवपुरी जिले में एक भैंस चोरी हो गई। भैंस मालिक उसे खोजता रहा लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। इसके बाद भैंस मालिक ने वीडियो कॉलिंग के जरिए भैंस के सामने आया तो हंगामा मच गया। भैंस ने मालिक को पहचाना और फिर चोर की शामत आई। मामला पुलिस के पास है, पुलिस भी इस मामले में उलझ गई। ठाकुरपुरा के रहने वाले संजय मौर्य पुत्र भगवत मौर्य ने बताया कि 4 माह पहले जन्माष्टमी के समय मेरी 3 साल की भैंस चोरी हो गई थी। वह 3 साल पहले भैंस का बच्चा लाया था, उसका नाम भी सूत्रों रखा गया था। इस दौरान घास चरने गई भैंस चोरी हो गई। वीडियो कॉल से हुई भैंस की पहचान। संजय मौर्य ने बताया कि उसकी माँ पार्वती टमाटर तोड़ने की मजदूरी करने ठर्रा गाँव गई हुई थी, जहाँ उसे धनीराम धाकड़ के खेत पर एक पेड़ से बंधी हुई भैंस दिखाई दी थी। इसकी माँ पार्वती ने जब भैंस को उसके नाम सूत्रों से पुकारा, उसने भी रंभाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक मजदूर के मोबाइल से फ़ोन कर माँ ने मुझे खोई हुई भैंस जैसी लगने की बात कही थी। पुष्टि के लिए माँ ने वीडियो कॉल कर भैंस को दिखाया था। वह मेरी खोई हुई भैंस थी। उसके कान पर वही कट का निशान था जो हमारी भैंस के कान पर था। पहचान छुपाने के लिए भैंस के सिंगों को रंग दिया गया था। इधर देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मोर। कहाँ रहते हो आप? ठाकुरपुरा वार्ड नंबर 39। हाँ, यहाँ कोतवाली आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे? ये हमारी भैंस गुम हो गई थी ना, उस कारण से हम आए थे। कब? ठीक है, वो 4 सितंबर के समथिंग, मतलब जन्माष्टमी की 2 दिन पहले, 4 तारीख को गुम हुई थी। तो हमने कंप्लेन डाली। कंप्लेन के बाद बस ढूंढते रहे हम एक डेढ़ महीने के बाद हमें पता चला, जब मम्मी मजदूरी के लिए गई थी, जब हमें पता चला कि भैंस वहाँ वाली है, मम्मी ने आवाज़ दी उसको भैंस को किसी में सुनने के नाम से, तो उनने खूंटा तोड़ बैठी हो रही। तो मम्मी पास में गई, पास जाकर उनने देखा हमारी भैंस है, तो उनने कहा, झगड़ा किया मम्मी से काफ़ी बार, झगड़ा करके ये बोला कि ये तो हमारी है। मम्मी ने कहा नहीं जी, तो हमारी है, पूरे गाँव हमारे गवाही है, सब गाँव को पता है। इस कारण से मम्मी ने पहचान ली। फिर कल रिपोर्ट के दौरान हम वहाँ पे गए थे भैंस को लेने, पुलिस को ले गए। हाँ, पुलिस को लेते भी गए थे, वो भी देख के आए थे। तो उसके बाद हम मम्मी यहाँ गई, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले जाने देंगे भैंस ऐसे वैसे। हम गाड़ी भी ले गए थे करके, लेकिन भैंस को नहीं लाने दिया उनने, ज़बरदस्ती करने लगे तो चलने नहीं दी। इस कारण से भैंस अब हम उनको यहाँ बुलाया तो हम यहाँ आए। तो कुछ किसके यहाँ पे मिली थी गैस? धनीराम धाकड़ के पास, धर्रा में। हाँ, धर्रा मम्मी किस काम के गई थी? टमाटर मजदूरी करने जाती है मम्मी, तो टमाटर भैंस मिल गई थी। हाँ, भैंस मिल गई थी, ये पहचान लिया उनको। आपने वीडियो कॉलिंग पे भी देखी थी? वीडियो कॉल पे देखी थी मैंने, तो बिल्कुल हमारी भैंस है। जब मैं ग्वालियर से आया हूँ, मजदूरी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, तो मैंने पहचान के जब मैं तुरंत सुबह 5 बजे की बस से आया हूँ। आप क्या चाहते हो? हमारी भैंस वापस मिलना, और क्या चाहते हैं? और जो अपनी भैंस होगी वही हमें चाहिए, हमें किसी की भैंस से कोई मतलब नहीं। उसका लड़का भी बंद है इसमें? हाँ, इसमें बंद है थाने में, कोई चोरी के मामले में। हाँ, चोरी के मामले। क्या नाम है लड़के का? लड़के का मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही आया हूँ, तो मुझे पता नहीं। आपकी माता जी का नाम? मम्मी का नाम श्रीमती पार्वती। यही कही थी काम करने? हाँ, काम करने यही गई।